शुभ प्रभात। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिन। हमारे राष्ट्र के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से ये जो दिन है पूरे विश्व में मनाया जाता है। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने भी इस योगा दिन का महत्व पूरे विश्व को बताया है। तो भारत सरकार के कॉमन प्रोटोकॉल के अनुसार आज हम कुछ आसन, प्राणायाम और सूक्ष्म आसन करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रार्थना, हाथ को जोड़ो, आंखें बंद कर लो और फिर मेरे साथ प्रार्थना बोलो। ओम संगच्छद्वम संवदध्वम सौ मनांसि जानताम सेवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। इस तरह से ये प्रार्थना। अब खड़े होके किए जाने वाले कुछ आसन, पहले हम करेंगे ग्रीवाचालन यानी नेक एक्सरसाइज। हाथ को कमर पे रखो, पहले ऊपर देखो, एक दो दो, फिर लेफ्ट साइड एक, फिर राइट दो, एक दो, और इसको फिर क्लॉक वाइज घुमाएंगे इस तरह से, और फिर एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे इस तरह से। ये हुआ ग्रीवाचालन। फिर स्कंद खिंचाओ यानी हाथ आगे ले लो, सांस सामान्य, सांस लेते हुए हाथ को ऊपर लेके जाओ, फिर हाथ आगे लेके आओ, फिर हाथ नीचे। वन टू थ्री एंड फोर, वन टू थ्री एंड फोर। इस तरह से अभी कटी शक्ति संचालन में वेस्ट के लिए एक्सरसाइज। पहले बाई तरफ से घूमते हुए हाथ को, बाएं हाथ को पीछे लेके जाओ और फिर इस तरह से पीछे देखने की कोशिश करो। राइट साइड हैंड लेफ्ट हैंड के कंधे के ऊपर, फिर वापस उसी स्थिति में आ जाओ। फिर बाएं हाथ को दाहे कंधे पर रखो, दाया हाथ पीछे लेके जाओ, इस तरह से पोजीशन होगी। घुटना संचालन, हाथ आगे ले लो, सांस लेते हुए सांस को सामान्य रखो, फिर ऊपर इस तरह से। वन टू वन टू। अब हम करने वाले हैं खड़े होके किए जाने वाले आसन। पहला आसन है ताड़ासन। हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक करो, हाथ सीधा माथे पर लेके जाओ और हाथ को आकाश की तरफ खींचते हुए तलवे आकाश की तरफ, और हाथ इस तरह से खींचो, एड़ियों को ऊपर, हाथ सामान्य, फिर पीठ को लेके नीचे जाओ और हाथ फिर वापस माथे। इस तरह से दो तीन बार ये क्रिया करो, सांस लेते हुए ऊपर, फिर माथे पर और फिर वापस स्थिति में आ जाओ। इससे हाइट बढ़ाने के लिए फायदा होता है। फिर वापस दूसरा आसन वृक्षासन। पहले दाहे पैर को
बाहें भर के गंगा के ऊपर रखो, फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाओ और नमस्कार को विषय में लगाओ। यही क्रिया दूसरे पैर से भी करो, पैर को सादे पैर के ऊपर गंगा के पास रखो, फिर वापस लेके जाओ। स्थिर करने के लिए आसन फायदेमंद है। अभी करेंगे पादहस्तासन, हाथ को ऊपर लेके जाओ सांस लेते हुए, फिर धीरे धीरे सांस खोते हुए हाथ को जमीन पर टच करो, लेते वापस पहले पोजीशन में आ जाओ। अभी दूसरा आसन त्रिकोणासन, दोनों पैरों को में कुछ डिस्टेंस ले लो दोनों पैरों में, फिर राइट हैंड को उठाते हुए लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग के ऊपर से नीचे लेके जाओ। इस तरह से इस पोजीशन को त्रिकोणासन, फिर वापस दूसरी तरफ से भी आसन करना है। अभी करेंगे अर्धचक्रासन, दोनों हाथों को कमर पे ऊपर रखो और ग्रीवा को फेस करते हुए हुआ अर्धचक्रासन। अब हम करेंगे कुछ बैठकर किए जाने वाले आसन। अभी पहले करेंगे दंडासन, पैरों को खोलकर सामने लेके आओ और हाथ बॉडी के पास इस तरह से रखो, कुछ सेकंड इसी स्थिति में रखो, रुको। ये हुआ दंडासन। अब करेंगे भद्रासन, पैरों को पकड़ के हाथों से पकड़ते हुए दोनों पैरों को जंगा के पास लेके आओ। इस तरह से शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेस करो और इस स्थिति में कुछ देर के लिए रुको आंखें बंद करके। ये हुआ भद्रासन, फिर पैरों को खोल के दंडासन की स्थिति में बैठो। अभी हमें करना है भद्रासन, पहले दाहें पैर को घुटनों में मोड़ो और फिर बाहें पैर को घुटनों में मोड़ो, दोनों पैरों को घुटनों में मोड़ के फिर एड़ी पर बैठ जाओ। इस तरह से पोजीशन होगी, तुम देख सकते हो ये हुई भद्रासन की पोजीशन। इस तरह से थोड़ी देर के लिए इसी स्थिति में रुको, मन को शांत करो। खाना खाने के बाद किया जाने वाला आसन, इससे डाइजेशन अच्छा होता है, पेट की कोई समस्या नहीं होती। फिर अब हम करने वाले हैं शशकासन। इसी स्थिति में बैठो, सांस को लेते हुए धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेके जाओ, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे लेके आओ और माथा जमीन पर टिकाओ। इस स्थिति में कुछ देर के लिए रुको, फिर सांस लेते हुए पहले पोजीशन में आ जाओ वज्रासन के पोजीशन में। ये हुआ शशकासन, इससे मन स्थिर होता है, हृदय के लिए बहुत ही इसका फायदा है। इस तरह से बैठे किए जाने वाले ये कुछ आसन।
अभी हम करेंगे पेट के बल लेट कर किए जाने वाले कुछ आसन। पहले करेंगे मकरासन, पेट के ऊपर सो जाओ, दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखो और माथा हाथ के ऊपर, इसे मकरासन बोलते हैं, सुप्त मकरासन। मकरासन की दूसरी पोजीशन करेंगे अभी, दोनों हाथों को इस पोजीशन में लेके आओ और थोड़ी को हाथ के ऊपर रखो और दोनों पैर को इस तरह से हिलाओ, इसको बोलते हैं मकरासन। अभी दूसरा करेंगे भुजंगासन के दो प्रकार, दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखो, थोड़ी हाथों के ऊपर और सांस लेते हुए भुजन यानी स्नेक उसकी जैसी पोजीशन होती है। ये पहला प्रकार भुजंगासन का, सांस लेते हुए ऊपर देखने की कोशिश करो फिर वापस उसी स्थिति में आ जाओ। ये पहला प्रकार, दोनों हाथों को बॉडी के पास रखो और फिर आगे से उठते हुए इस तरह से सांस लेते हुए ऊपर आ जाओ, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से इस आसन को 3-4 बार करो, इससे फेफड़ों में लाभ मिलता है और ऑक्सीजन लेवल भी अच्छी बनती है। तो फिर दूसरा करेंगे शलभासन, दोनों हाथों को पैर के नीचे लेके जाओ और पीछे से पैर को उठाने की कोशिश करो इस तरह से कुछ देर इसी पोजीशन में रुको, फिर पैर को नीचे लेके आओ। अब हम कुछ पीठ के बल लेट के किए जाने वाले कुछ आसन करेंगे। पहले करेंगे सिद्ध बंदासन, पहले पीठ के बल सो जाओ, घुटनों को मोड़ के इस तरह से एक पोजीशन, दोनों हील को पकड़ो और कमर को ऊपर उठाओ, इस स्थिति में कुछ देर के लिए रुको, माथा जमीन पर टिका हुआ, फिर वापस आ जाओ नीचे। ये एक सिद्धबंधासन, उत्तान पादासन, पैरों को सीधा जमीन से 30 डिग्री सेल्सियस उठाओ और कुछ देर के लिए स्थिति में रुको, सांस सामान्य, फिर नीचे आओ, फिर एक बार कुछ देर के लिए इस स्थिति में रुको, पादासन, फिर नीचे पैर को लेके आओ। फिर आप करेंगे हलासन, पैर को धीरे धीरे उठाओ, सांस को लेते हुए फिर वापस ये आसन करेंगे। फिर वापस स्थिति में जाएंगे। अभी हम करेंगे पवन मुक्तासन, घुटनों को पैर को घुटनों में मोड़ो और दोनों हाथों को हाथ से पैर घुटनों को पकड़ो और फिर नाक को घुटनों को टाइट करने की कोशिश करो, फिर वापस कुछ देर के लिए शवासन में होगा, ये
इस तरह से ये शवासन में कुछ देर के लिए रुका। अब हम करेंगे कुछ प्राणायाम के प्रकार। पहले भस्त्रिका प्राणायाम, सांस को ले लो, लंबी सांस लेते हुए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। आंख बंद, इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम को 3 से 5 मिनट करना है। फिर दूसरा प्राणायाम का प्रकार है कपालभाति प्राणायाम। सांस को छोड़ते हुए कपालभाति प्राणायाम करेंगे। इस तरह से सांस को छोड़ते हुए कपालभाति प्राणायाम, इस क्रिया में सांस को छोड़ने के ऊपर ज़्यादा प्रयास करना है, सांस को बाहर छोड़ने का प्रयास ज़्यादा करना है। उसके बाद हमें करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम, तीसरा प्राणायाम। पहले दाहें नासिका को बंद करते हुए बाहें नासिका से लंबी सांस लेनी है। डीप ब्रीदिंग, फिर बाहें नासिका को बंद करते हुए राइट नासिका से सांस को छोड़ना है। यही क्रिया फिर वापस दाहें नासिका से होगी। इस तरह से ये प्राणायाम 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक कर सकते हो। ना है भ्रामरी प्राणायाम, दोनों हाथों के अंगूठे से कान के पटल को बंद करते हुए पहला उंगली यानी थंब के पास जो पहली उंगली होती है उसको माथे के ऊपर रखो और तीनों उंगलियों को आँखों के ऊपर रखो। सांस लेते हुए नाक से हमें भ्रमर का नाद करना है इस तरह से। इस तरह से इस प्राणायाम को 4 से 5 बार करो। फिर अभी करना है हमें उद्गीत प्राणायाम यानी ओंकार, ओम का लंबा नाद करना है। सांस लेते हुए गहरी सांस लेते हुए ओम का ओ, कुछ देर के लिए शांत बैठो, मन स्थिर करो, मन को शांत रखो। इस तरह से ये आज हम ने कुछ आसन किए हैं कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अनुसार। अंत में हम अब प्रार्थना बोलेंगे। हाथ को जोड़ो, आंखों को बंद करो और मेरे साथ अंत में प्रार्थना बोलो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। सब सुखी रहो।
आरोग्यदायी रहो, सबका भला हो, किसी को कुछ दुख न मिले, ऐसी मैं उस ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और सिर्फ 21 जून को ही नहीं, तो हर दिन आप योगा और प्राणायाम करो, खुद को हेल्दी रखो और सब सुखी रहो। धन्यवाद।